यस yes, स्वागत है एक बार फिर से सो so, सॉरी गलती से थोड़ा सा ग्लिच आ गया था नेटवर्क में यस yes. <laughs> वापस से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं सेम इसमें तो हम लोग बात कर रहे थे कि नीड ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कि बॉन्ड बनाने का क्या जरूरत है तो सबसे पहला है इज टू अक्वायर स्टेबिलिटी और सेकेंड इज टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तो ये दो इंपॉर्टेंट नीड है जिसके वजह से कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है राइट ये दो इंपॉर्टेंट नीड है जिसके वजह से कोई भी एटम बॉन्ड बनाता है इसमें से पहला नीड है, स्टेबिलिटी और है स्टेबल में कितने जाएंगे? एट तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा नियॉन जैसा और क्या बन जाएगा स्टेबल क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके पास भी आउट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एट तो वो भी आर्गन जैसा क्या हो जाएगा स्टेबल तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ ये देखा कि बॉन्ड क्या होता है तो एक बार रिपीट करें तो बॉन्ड क्या होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स टुगेदर टू टू एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल क्यों बनाना है बॉन्ड अक्वायर स्टेबिलिटी दूसरा टू अक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं अब इस चैप्टर में अगर क्विकली हम लोग आगे जाए तो अगला हम लोग यहां पर देख सकते हैं हम लोग को एक वर्ड सुना होगा हम लोग ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बार बार वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन अब आप देख सकते हैं जैसा कि इसका नाम है हाइड्रोकार्बन मतलब हर एक बच्चे को पता है कि इसको हाइड्रोकार्बन क्यों बोला जाता है तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन उसे हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन अब हमें कार्बन का एक विशेष प्रॉपर्टी पता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन अभी जैसे हमने देखा था कि कार्बन टू कॉमा फोर तो इसके पास आउट ऑफ मोशन इलेक्ट्रॉन कितने फोर तो ये टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है चार अब अगर सपोज हम लोग को पता है कार्बन एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बताता है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ ही जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना सकता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है तो इमेजिन कीजिए कि मैं आपको चार कार्बन दे रहा हूं और आपने सपोज पहले उन चार कार्बन को कुछ इस तरीके से जोड़ा फिर वही चार कार्बन को आपने इस तरीके से जोड़ा अब आप बताइए कमेंट करके कि इन दोनों में क्या फर्क है एक जगह पर हम लोग चार कार्बन को इस तरीके से जोड़ रहे हैं एक जगह पर हम लोग चार कार्बन को इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो इन दोनों भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में क्या फर्क फर्क है yes, obviously का है यस ऑब्वियसली का बट ये स्ट्रक्चर में क्या फर्क है आपको क्या लगता है क्या चीज अलग दिख रही है आपको यस वेरी गुड ये देख सकते हैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर और ये जो है ये चेन स्ट्रक्चर है तो कार्बन के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें सबसे पहले मेन दो चीजें हैं एक जिसे हम लोग कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर सर डिफरेंस क्या है आप देखिए नॉर्मल हम लोग नेकलेस पहनते हैं रिंग उसको अगर हमने ओपन कर दिया तो एकदम स्ट्रेट चेन एक ओपन चेन बन जाएगा और उसी के आखिरी और पहले कार्बन को अगर हम लोग ने कनेक्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा रिंग <coughs> तो कम से कम स्ट्रक्चर देख के तो हम समझ सकते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन अल्केन अल्किन और अलकाइन और बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होता हम खाली इतना लिख के आ जाते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड राइट बट उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कैसे डिफाइन करें और कैसे समझे उस चीज को वो हम लोग देखते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक जिसे हम कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर दूसरा जिसे हम कहते हैं क्लोज चेन स्ट्रक्चर अब ओपन चेन को और एक नाम कहा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक वर्ड आपने सुना होगा क्लोज चेन देखिए आप उसको और एक नाम क्या बोल सकते हैं साइक्लिक और एक नाम क्या बोल सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो एक हमारे पास क्या बन गया ओपन चेन स्ट्रक्चर दूसरा क्या बन गया क्लोज चेन स्ट्रक्चर उस क्लोज चेन स्ट्रक्चर में हम उसको और एक नाम क्या बोल सकते हैं साइक्लिक और नाम क्या बोल सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर अब इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है एक जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड दूसरा जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड आई होप ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड अब सपोज यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन का C2H6 राइट right? टू एच सिक्स अब ध्यान से देखना पहले पहचानिए क्या यह हाइड्रोकार्बन है यस और नो डेफिनेटली है क्यों हाइड्रोकार्बन है बिकॉज यहां पे कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन सो so, कार्बन और हाइड्रोजन इसलिए क्या है ये हाइड्रोकार्बन अब इसको काउंट कीजिए कार्बन दो और हाइड्रोजन छ मतलब टोटल कितने हो गए एट तो अब अज्यूम कीजिए कि अब हम लोग को खुद से कैसे पता चलेगा कि कब सिंगल बॉन्ड आएगा कब डबल बॉन्ड आएगा और कब ट्रिपल बॉन्ड आएगा अब मान लीजिए दो और छह टोटल मिलके कितने लोग हैं आठ लोग ये आठ लोग क्रिकेट खेलने गए ग्राउंड में गए आठ लोग क्रिकेट खेलने गए हमने डिसाइड किया कि हम दो टीम डिवाइड करें तो आठ में से जब दो टीम बनाने की कोशिश होगी तो एक टीम में कितने मेंबर्स जाएंगे चार बट टीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कैप्टन तो मान लो हमने दो कार्बन को क्या बना दिया कैप्टन तो भैया दो कार्बन हमारे क्या बन गया कैप्टन अब मेंबर्स कितने बच गए छे अब छह लोगों में दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये कार्बन क्या करेंगे अपने तीन मेंबर्स को ले लिया ये कार्बन ने क्या किया अपने तीन मेंबर्स को ले लिया अब देखिए कार्बन को टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं चार इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए तीन इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए तीन अब ऑलरेडी तीन बॉन्ड बनाए और चार बनाना है तो इन दोनों का रिक्वायरमेंट क्या है और कितने बॉन्ड आने चाहिए इनके अंदर एक सो देर एग्जिस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इनके पूरे खानदान को जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है हम क्या बोलते हैं अलके इनके पूरे खानदान को हम लोग क्या बोलते हैं अलग राइट अब में आ जाते हैं इसमें हम दो अलग अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले सपोज एग्जाम्पल लिए फास्ट होगा अब सी टू एच फोर मतलब देखिए कार्बन दो है और हाइड्रोजन चार तो फिर से हमने दोनों कार्बन को क्या बना देना है कैप्टन अब चार मेंबर है तो ये कैसे डिवाइड होगा दो हाइड्रोजन यहां पर दो हाइड्रोजन यहां पर सर चार में से दो बॉन्ड बन गए और कितने बॉन्ड बनाने का जरूरत है दो सो देर एग्जिस्ट वॉट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इनके पूरे खानदान को हम लोग क्या कहेंगे Alkines. अब मान लो हम लोग ग्राउंड में ना जाके गली में खेल रहे हैं चार ही लोग हैं हम लोग सी टू एच टू सर दो कैप्टन बन गए अब दो ही प्लेयर बचे हैं। तो इसने अपने फ्रेंड को चुन लिया इसने अपने फ्रेंड को चुन लिया अब बताइए चार में से कितने बॉन्ड बन गए एक चार में से एक बॉन्ड बन गया मतलब कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है और क्विकली तीन तो यहां पे क्या आएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इनके पूरे खानदान को हम क्या कहेंगे अल्काइंस क्या कहेंगे अल्काइंस अब यहां से मेरा डेफिनेशन कैसे बनेगा तीन कीवर्ड याद रखना अगर हमें अल्किन अल्किन और अल्काइन को डिफाइन करना है सबसे पहला एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तीन वर्ड रिपीट करिए मन में जहां पे भी आप बैठे एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एस अब यहां अगर करना तो बोलिए वर्ड क्या चेंज होगा एलिफेटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉलैस अल्की एलिफेटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉलैस अल्काइंस समझा एकदम आसान चीज है अगर हम लोग को अल्किन को डिफाइन करना है तो क्या बोलना है एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड लेस अल्किन्स एलिफेटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कॉललेस अल्किटिक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कॉललेस अलकाइंस क्लियर है किसी को कोई दिक्कत जहां पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखा दिखान डबल बॉन्ड दिखा दिखान ट्रिपल बॉन्ड दिखा अलकाइन तो अभी तक हमने बॉन्ड पढ़ा क्यों बनाते हैं बॉन्ड वो पढ़ा अल्केन अलकाइन अल्काइन क्या है वो पढ़ा अब आपके टेक्स बुक के हिसाब से जाए तो इसके आगे जो चीजें होती हैं हम लोग को अलकेन, अलकेन, अलकेन का नाम पढ़ना पड़ता है बट उसके पहले अगर मुझे ठीक है अब अगर सपोज मुझे पहले क्लासिफाई करना है अगर मेरे सामने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया तो क्या मैं क्लासिफाई कर पाता हूं कि वो अल्केन है अलकेन है अलकेन है कितने लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मुला देख के समझ जाता है कि वो अल्केन है अलकेन है अलकाइन है, अलकेन है, अलकेन है. जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लू मैंने लिखा सी फाइव एच ट्वेल्व मैंने लिखा सी फाइव एच टेन मैंने लिख दिया सी फाइव एच एट राइट अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे अब हम लोग को इसके अंदर ये समझना है कि इसको सर मैं कैसे क्लासिफाई करूं कि अल्केन है या अल्कीन है अल्काइन है राइट right? अब हम लोग कैसे इसको हम लोग निकालें कि ये अल्केन है अल्केन और अल्काइन है है और तो देखिए बहुत सिंपल चीज होता है। अगर आपको दुनिया के कोई भी हाइड्रोकार्बन को पहचानना है कि वो अल्केन है अल्कीन है अलकाइन है अब देखिए हायर क्लास में हम लोग जाते हैं तो साइक्लो अल्केन भी होता है जो आपको टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं है तो हम लोग फिलहाल बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं कि अल्केन अल्केन अलकाइन को हम लोग कैसे पहचान इस सबको पहचानने के लिए ट्रस्ट मी कुछ ऐसा ट्रिक हम लोग सीखेंगे जिससे आप तीन या पांच सेकंड के अंदर पहचान पाएंगे कि कोई भी कंपाउंड दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो आपको मालूम पड़ जाएगा वो अल्के ने अल्के ने अलकाने उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या मालूम है आपको दो का पहाड़ आना चाहिए दो का टेबल आना चाहिए घर बैठे लोग अपने आप से पूछे कितने लोग को दो का टेबल आता है यस सोनू दो का टेबल आता है तुमको नहीं अरे कितने लोग का दो का टेबल आता है जहां पे बैठे वहां पे हाथ ऊपर कीजिए पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो ये भी ध्यान से देखना आपके बच्चों को दो का टेबल आ रहा है कि नहीं ऑब्वियसली सबको दो का टेबल आता होगा राइट बट प्रॉब्लम क्या है सर दो का टेबल दस तक ही आता है कल को हमको पूछा टू इंटू थर्टी एट पॉइंट फाइव आपन मुंह देख रहे राइट कैलकुलेटर तो हमारे दिमाग में है नहीं ना घर बैठे इसलिए मजा आ रही है क्लासरूम होता तो टू इंटू थर्टी एट पॉइंट फाइव नहीं आता सर चलिए जिनको टू का टेबल आता है ना वो हमेशा हल्के नल की पहचान सकते हैं हमेशा हल्के पहचान सकते हैं कैसे देखो मैं बताता हूं सिंपल सा रूल है सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने का ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट होगा ना कार्बन और हाइड्रोजन तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने का उसको तुरंत डबल करने का डबल नंबर ऑफ कार्बन देखकर उसको तुरंत क्या करोगे डबल अगर हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल है अगर हाइड्रोजन कार्बन का एग्जैक्टली डबल है तो भैया वो अल्कीन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो है अगर हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा क्या तो ट्वेल्व से ज्यादा है तो डबल से दो ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अल्किन फाइव का डबल कितना होता है टेन अगर डबल से दो कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे अलकाइन तो हो गया काम तमाम क्या करना है फिर से स्टेप रिपीट करते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखिए उसको डबल करिए अगर हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल है इसका मतलब वो कौन है अल्किन है हाइड्रोजन डबल से दो ज्यादा है बाबा अगर डबल से दो ज्यादा है मतलब क्या है अल्कीन हाइड्रोजन डबल से दो कम है तो क्या होगा अलकाइन अब मुझे बताओ ये क्यों पूछा दो का पार आना चाहिए क्योंकि डबल करने के लिए आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू से और वैसे भी अपने सिलेबस में कितने कार्बन तक है 10 तो 2 10 20 मेरा काम तमाम एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी पूछो सर मालूम पड़ेगा ठीक है चलिए मैं अभी कुछ एग्जांपल्स देता हूं आप फटाफट -पड़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि वो अल्केन है एल्कीन है अल्काइन है, है। चलिए लेट्स स्टार्ट C7H16 C9H क्या लूं चलो तुम्हारे हिसाब से लेता हूं ये भी 16 C10 H20

सेवन का डबल कितना होता है फोर्टीन फोर्टीन से दो जाएंगे तो क्या हो जाएगा सिक्सटीन ये हेप्टेन नाम मैंने लिखा राइट अब नाम सुन के टेंशन में फिलहाल नाम को हटा देते हैं सर ये हमको मालूम नहीं कैसा है ये अगली बार में देखेंगे बट फिलहाल के लिए कौन है अरे बोलो ना ये कौन है अलकेन नाइन का डबल क्या होता है नाइन का डबल काश अगर यूट्यूब पे फीचर होता वहां से कमेंट डायरेक्ट बोल के आता कितना मजा आता उधर से तुम बोलो इधर से मैं बोलूँ बोला बोली हो रहा है यस नाइन का डबल क्या हो गया सिक्सटीन सर ये तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कम है बेचारा ये क्या हो जाएगा अल्काइन का का डबल कितना है ये क्या हो जाएगा अब चेक करो कितने लोग करे जिनका तीनों राइट था ईमानदारी में देखो चीटिंग करोगे ना तो तुमको तकलीफ होएगा मेरे को भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट प्राप्त है जो मेरे साथ चीटिंग करता है उसका लाइफ में बहुत तकलीफ होता है चीटिंग नहीं करने का जिनका तीनों राइट है अच्छी बात है नहीं राइट है चलेगा हम सीखने आए राइट हम सीखने आए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला इतना सिंपल करके पढ़ेंगे सबको हक है गलत आंसर देने का क्योंकि आप मेरे सामने तो है नहीं तो गलत आंसर देंगे तो भी मैं क्या कर लूंगा यहां से खाली बोल ही सकता हूं ना राइट जो मेरी क्लास में सामने बैठते हैं उनको मालूम है गलत आंसर देने पर क्या होता है बट यहां पे हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ठीक है सर ये तो हो गया कि हम लोग ने ओवरऑल इन जनरल अल्केन अल्किन अलकाइन पढ़ कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा एक खतरनाक वर्ड आता है जीवन में जिसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज कितने लोगों ने सुना है ये शब्द होमोलोगस सीरीज ये एक वर्ड है इस पूरे टेक्स्ट बुक में आपके स्टेट बोर्ड के जिसमें लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज राइट सबने सुना है तो ये सुना है या सुना सुना है मतलब इसका मीनिंग पता है सुन लिया है हमने e, बाबा बोलो ना मीनिंग पता है होमो मतलब क्या होता है होमो और लोगस ऐसा कुछ तो विचित्र तीसरी दुनिया का वर्ड लगता है राइट अब होता क्या है तो आज तो तक जो लोग बायिंग कर रहे हैं अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इससे फायदा क्या होगा देखो मैं बताता हूँ सपोज मैंने दुनिया का कुछ अलग ही चीज ले लिया सर सी फिफ्टी एच वन जीरो टू सी फिफ्टी एच हंड्रेड सी फिफ्टी एच नाइनटी एट इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन जो शायद मैंने जीवन में नहीं देखा राइट right? यस yes, ये नाइनटी एट है अब इसको पहचान लो फटाफट चलो बताओ सी फिफ्टी एच वन जीरो बताता है जो पहले बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा ऑनलाइन यस फिफ्टी और वन जीरोन अल्किन अलकाइन जल्दी बोलो सबसे पहले कमेंट किया है वन मिलियन ने अब इनका नाम तो मुझे पता नहीं बट ठीक है दिस इज अल्केन वेरी गुड फिफ्टी और हंड्रेड कम ऑन फिफ्टी और हंड्रेड चैट बॉक्स भर जाना चाहिए मैं पूरा पढ़ रहा हूं तुम टेंशन मत लो मैं बाकी यूट्यूबर जैसा नहीं कि खाली अपना पढ़ाते रहो देखू नहीं मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं मैं सब देखूंगा मेरा पेट बीच में आएगा चलेगा बट देखेगा मैं यस फिफ्टी और हंड्रेड जल्दी बोलो फिफ्टी हंड्रेड ये बोलना पचास सौ अल्किन वेरी गुड फिफ्टी नाइनटी एट फिफ्टी नाइनटी एट फिफ्टी नाइनटी एट पचास का नाइनटी एट पचास का नाइनटी एट ऑप्शन अलकाइन वेरी गुड यश ड्राइंग्स ने सबसे पहले आंसर दिया है अलकाइन अभी एक मिनट के लिए सोचिए आज तक हम लोग को दस कार्बन तक ढंग से नहीं मालूम पड़ रहा था थोड़ी देर पहले हम लोग को दस कार्बन तक नहीं पता था कि सर अलकेन, अलकेन, अलकेन कैसे मैंने कौन सा पढ़ते दो का उतना ही बेसिक है कार्बन कंपाउंड और उतना ही चैप्टर का लेवल है उतना ही आसान है उतना ही आसान है ठीक है अब ये हो गया हमारा अल्केन अल्किन अलकाइन को पहचानना अब आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर क्वेश्चन क्या पूछते हैं और उसको हम लोग कैसे लेके आएंगे ठीक है चलिए अगले स्क्रीन पे जाते हैं हम लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं ये लाइव लेक्चर है बाद में भी इसी चैनल पे पड़ा रहेगा कभी भी आप आइए और लास्ट में मैं बोलूंगा बेल आइकन दबाने के लिए अभी नहीं ठीक है चलिए यहां पे देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले स्क्रीन में चले जाते हैं अब हम लोग का मेन टास्क क्या है कि सर हमें अल्किन अल्किन और अलकाइन पहचानने आ गए है ना अभी पंद्रह मिनट है हमारे पास आप ऐसे जुड़े रहेंगे तो हम शायद आगे भी चले कोई टेंशन की बात नहीं है अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अल्किन अल्किन अलकैन पहचानना तो सीख गए बट उससे डायरेक्टली नाम कैसे रिट्रीव करने का जो हमें थोड़ा बहुत लेके जाएगा किस तरफ मालूम है आई यू की तरफ अब टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे जो बेचारे आयू नेमिंग सुन के टेंशन में आ जाते है कि ये कौन सी चीज है सर मुझे समझ ही नहीं आता वो स्ट्रेट चेन है टेढ़ा चेन है कैसा है मैं क्या गिनू किसको को लू कौन सा कौन सा लोअर नंबरिंग कुछ रूल पता नहीं और यहाँ पे जो अलेवन ट्वेल्थ वाले गलती से यहाँ पे जुड़ के देख रहे हैं वो बोल रहे है, सर कितना आसान होता है अब हम लोग को मालूम पड़ा तो डेफिनेटली जब अवन ट्वेल्थ में आप जाते हैं तो टेंट आसान हो जाता है राइट बट जो बेचारे टेंथ में उनके लिए तो तकलीफ है तो अब देखिए कभी भी हम लोग को कोई भी अल्के अलकाइन का नाम लिखना है अगर कोई भी अल्के अलकाइन का नाम लिखना है ना तो सबसे पहले हम लोग को रूट नेम पता होना चाहिए राइट सबसे पहले हम लोग को रूट नेम पता होना चाहिए जैसे आपका अपना खुद का नाम है मेरा नाम नितेश तो ये मेरा रूट नेम है अब नाम के आगे जो लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में जैसे मिस्टर मिस मिसेस मास्टर ये जो भी लगता है वो क्या हो गया प्रिफिक्स नाम के बाद जो लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सफिक्स राइट नाम के बाद जो लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं सफिक्स तो वैसे जब भी हम लोग को अल्किन अल्केन अलकान का नाम पहचानना है तो हम लोग यहां पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग को एक मेन नाम लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नेम और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है सर नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर तो जैसा हमें सिलेबस में जितने कार्बन तक है उतना मैं लिख देता हूं तो ये हमारे पास कितने कार्बन आ गए टोटल दस अब आप सबको पता होगा कि एक कार्बन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो मेथ घर पे बैठे हो तो बोल बोल के पढ़ो मजा आएगा घर वालों को मालूम पढ़ने दो कि आज से मैंने पढ़ाई चालू की है चिल्ला दो पूरा मोहल्ले को मालूम पड़ जाए कि हमारे घर पे हाइड्रोकार्बन चालू है बाजू वाली एंटी है उसको बोलेगा क्या चल रहा है बोले हाइड्रोकार्बन चल रहा है पढ़ोगी यहां देखो मैथ मैथ के बाद किधर आ गए हम लोग एथ तीन कार्बन आएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे प्रोप चार पे हम क्या कहते हैं उसको ब्यूट पांच पे हम लोग क्या बोलेंगे पेंट पे क्या बोलेंगे हेक्स सात पे क्या बोलेंगे हेप्ट आठ कार्बन पे हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्ट नौ कार्बन पे हम लोग क्या बोलेंगे नॉन दस कार्बन पे हम लोग क्या बोलेंगे डेक राइट right? अब कुछ लोग इसको बोलते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये नवंबर कैसा हुआ है बाबा एनओ एन है इतना इंग्लिश का मत मारो नवंबर एनओ भी होता है ना हाँ तो ऐसे नहीं याद करना है. इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना याद है मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक राइट अब ये रूट नेम है अब इसके आगे हम लोग को अगर देखना है कि अल्केन अल्किन अल्काइन पहचानने का है तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं तो यहां पर देखिए अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे क्या अल्केन तो इसमें लास्ट तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ए एन ई जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं ई e एन ई -E. तो अल्किन के लिए सफिक्स क्या लगेगा ई एन ई ए अलकाइन के लिए क्या लगेगा खुद से बताओ बताओ मैं पीछे से तो पढ़ रहा हूं कमेंट अलकाइन के लिए क्या लगेगा हम लोग को वाई एन ई -E. तो ये रूट नेम है अब जब भी अल्केन होगा तो नाम के आगे क्या लगाएंगे एनी अल्किन होगा तो नाम के आगे क्या लगाएंगे ई एनी अलकाइन होगा तो नाम के आगे क्या लगाएंगे वाई एन ई क्लियर है अलकाइन होगा तो क्या लगाएंगे वाई एन ई अब ये रूट नेम के आगे उसको सिर्फ जोड़ देना है तो मान लो अगर हमें एक कार्बन का अल्केन दिखा तो इसके बाद हम उसका नाम क्या पढ़ेंगे आज के बाद मीथेन तो बताओ एक कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए एक कार्बन वाला अल्किन का नाम वेरी गुड कुछ खतरनाक पप्पू लोग इधर बोलते हैं हाँ, और एक कार्बन वाला अलकाइन का नाम मिथाइन अरे देवा काय ऑर्डर एक कार्बन वाला अल्किन अलकाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता अब आपने इतना ज्यादा कंसेप्ट पढ़ लिया कि जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका भी नाम बताया जा रहा है सर मिथिन के बाद सिंपल है मिथिन मिथाइन हम रट नहीं रहे हैं हम लोग को समझना है सिंगल कार्बन का अल्कीन और अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अल्किन में हमने क्या पढ़ा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम दो कार्बन तो चाहिए ना अकेले बना देगा वो दो बॉन्ड अल्काइन के लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम दो कितने कार्बन चाहिए दो तो एक कार्बन वाला अल्किन और अल्काइन एग्जिस्ट नहीं करता चलिए आगे आते अब दो कार्बन होगा यहां से अपन पढ़ सकते हैं तो दो कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन अल्किन का नाम इथिन ठीक है सिमिलरली तीन कार्बन वाले अल्केन का नाम मैं पूरा टेबल नहीं बनाऊंगा टेंशन मत लो टेबल आपके बुक में ऑलरेडी है सो so, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन चार कार्बनों का तो कम और लिखते जाओ चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं ब्यूटीन ब्यूटीन ब्यूटाइन ठीक है अब ये क्या है पता है इसको रिदम चाहिए ये गाना है अब अपने को गाना गाना है ठीक है कैसे देखना रिदम देखना इथेन इथीन इथाइन क्या बोलेंगे इथेन इथिन इथाइन तीन कार्बनों का तो प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन देखो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट लिरिक्स तो आपको हर एक कोई सिखाता है जैसे कोई गाना आप देखो आपको लिरिक्स गूगल पे मिल जाएगा बट हर कोई गा पाता है क्या नहीं चलो अपने फेवरेट गाना ले लेते ले हैं सपोज केसरिया तो अब मेरे को लिरिक्स मिल गया मैं पढ़ रहा हूँ केसरिया तेरा रंग है पिया तुम क्या बोलोगे मत गाओ फिर मैंने पढ़े केसरिया रंग है तेरा पिया बोले चुप पर अगर मैंने गाया केसरिया तेरा इश्क है पिया अब आया ना मजा यस पार्ट टाइम अपन गाते भी हैं रिदम तो इंपॉर्टेंट है, है ये मैं आपको क्या क्या लिरिक्स लिरिक्स के बाद इसके अंदर रिदम। रिदम इथेन, इथेन, प्रोपेन, 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 बोलो जहां बैठे वहां बोलो मैं बोल रहा हूं ना आजू बाजू में हल्ला कर दो घोषणा कर दो पढ़ाई चालू हो है अरे चिल्लाओ ना पेंटेन पेंटीन पेंटाइन हेक्जेन हेक्जिन हेक्साइन हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन ऑक्टेन ऑक्टीन ऑक्टाइन इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है तो नोनेन नोनीन नोनाइन डेकेन डेकिन डेकाइन इस तरीके से आप 10 के 10 कार्बन पढ़ सकते हैं अब दिक्कत क्या है पता है सर नाम मुझे मालूम पड़ गया अल्केन एल्किन एल्काइन मुझे पहचानने आ गया अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आएगा तो तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अपने पास इन सब का एक जीएफ होता है क्या बोले सर क्या होता है इनका इनका जीएफ होता है हाँ अल्केन अल्किन अल्काइन का भी है अब जिनका नहीं हो ध्यान दो जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला यस मुझे मालूम था आपका बुद्धि बहुत तेज दौड़ गया रहेगा आखिरी तक तो अल्केन के पास भी जीएफ है अल्किन के पास भी है

h2n अल्काइन का जनरल फार्मूला cn h2n 2 अब जितने बुद्धिमान लोग हैं देश में वो ये बताएं इसमें n क्या है तो n है नंबर ऑफ कार्बन राइट cn h2n 2 में n कौन है नंबर ऑफ कार्बन देखो नंबर ऑफ कार्बन को डबल किया और दो जोड़ा तो अल्केन मिलेगा ये तो हम कर रहे थे पहले नंबर ऑफ कार्बन को एग्जैक्टली exactly डबल किया तो हम लोगों को क्या मिल गया एल्कीन नंबर ऑफ कार्बन को डबल करके दो माइनस किया तो अपने को क्या मिल गया अलकाइन राइट right? तो यही तो इनका जनरल फॉर्मूला है बट उसको हम लोग ने फॉर्मूला करके नहीं पढ़ा दो के पहाड़े से रिलेट किया फॉर्मूला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा अब अप्लाई करते हैं चलिए एक कार्बन लोगे तो C क्या होगा वन टू इंटू वन कितना होगा टू टू प्लस टू क्या हो जाएगा फोर तो बताओ मीथेन का फॉर्मूला क्या आ गया सी एच फोर चलिए इसको फिर से लिख देता हूं मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी एच फोर टू पुट करते हैं टू तो क्या हो जाएगा c2 2 into 2 4 4 plus 2 क्या आ जाएगा 6 c2s 6 3 किया तो क्या हो जाएगा c3h8 चार करोगे तो क्या हो जाएगा c4h10 आ रहा है ना ऑटोमेटिकली यस और नो चलिए इधर देखते हैं दो कार्बन है सर क्या आ जाएगा c2h4 तीन कार्बन है तो क्या आ जाएगा c3s6 चार कार्बन है तो क्या आएगा c4h8 इधर पुट करके देखते हैं सर दो, दो, दुनी, दो दुनी, चार, चार माइनस दो क्या होगा दो इंग्लिश मीडियम में टू इंटू टू फोर प्रोपाइन का क्या होगा सी फोर एच सिक्स ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हैं अब इसको बायट करने का जरूरत नहीं है घर पे बैठने का शांति में खाना करने दिमाग में चिल्लाने का ऑक्टाइन 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 पता चल पापा उठ के बैठ के क्या बोल रहे बोले ऑक्टाइन 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 मतलब कितना कार्बन आठ अरे आठ सो सो दो सोलह सोलह माइन दो चौदह सी एट एच पोटिन रात को दो बजे नींद करने के लिए गया उधर चिल्लाने का पेंटेन 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 पब्लिक टेंशन में मतलब कितना कार्बन है अपने पास पांच पांच का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन टेन प्लस टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व तो हमें एस फॉर्मुला मिल जाएगा ऐसे बनते हैं फॉर्मुले और ऐसे वो दिमाग में बैठेगा क्योंकि जब तक कोई चीज यूज नहीं करोगे तब तक वो बाय हार्ट नहीं होने वाला है राइट right? तब तक वो हार्ट नहीं होने वाला है ठीक है अब हम लोग आते हैं उस खतरनाक वर्ड पे जिससे आधा मुंबई डर रहा है कम से कम बच्चे होमोलोगस सीरीज ठीक है उम्र बीत जाता है दसवीं पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलता है कि वोट इज होमोलोगस सीरीज तो यहां पे देखिए होमोलोगस का पहला वर्ड होमो का मतलब क्या होता है सेम लोगस का मतलब क्या होता है पैटर्न मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए पैटर्न तो देखिए सीरीज कैसे आएगा अपन और कोई कलर लेते हैं। चलो ले लेते हैं। ठीक है? अब, सीरीज मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड बराबर सीरीज मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड तो देखिए सब में से एक से ज्यादा कंपाउंड है ना है कि नहीं है अरे बोलना बच्चा एक से ज्यादा कंपाउंड है कि नहीं है तो जब इसमें एक से ज्यादा कंपाउंड है तो वो क्या बन गया सीरीज अब इनमें देखने का सक्सेसिव सक्सेसिव मेंबर मेंबर क्या होता है है एक एक के बाद जो एक आता मराठी लागो पार्ट हिंदी में एक के बाद एक इंग्लिश में कंजेगेटिव या सक्सेसिव जैसे ये फर्स्ट मेंबर है और सेकंड मेंबर है तो हम सीरीज क्या बोलता है कि अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड मेंबर के बीच में डिफरेंस निकाले तो यहां पर देखो इसके पास कितने कार्बन है एक इसके पास कितने कार्बन है दो तो इनमें कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ एक हाइड्रोजन यहां पे कितना है फोर और यहां पे कितना है सिक्स तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ दो तो इन दो मेंबर्स के बीच में वाइज क्या डिफरेंस हुआ सी एच टू ठीक है अब देखो सेकेंड और थर्ड मेंबर दो और तीन कार्बन तो कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ एक सिक्स और एट में कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ दो तो इसमें भी डिफरेंस कितना हो गया सी एच टू थ्री और फोर में देखिए एक कार्बन का डिफरेंस और दो मतलब आप यहां पे भी देखेंगे सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय टू ग्रुप सक्सेसिव में डिफर ग्रुप इतना याद ऑफ कंपाउंड होमोलोग सेम फंक्शनल ग्रुप सीरीज ऑफ कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप अभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग कल के स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे कल का स्ट्रीम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बिकॉज हम लोग आईपीएससी नेमिंग करेंगे रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 सेकेंड के अंदर हम रियक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं बट अभी जाओ मत खत्म नहीं हुआ है होमोलोग सीरीज में बोलेंगे सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्किन में फंक्शनल ग्रुप क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्किन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्काइन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अब देखिए यहां पे भी ये है सक्सेसिव मेंबर दो और तीन कार्बन के बीच में डिफरेंस कितने कार्बन का हो गया एक ये चार और छह कर दिया तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया टू तो डिफरेंस कितना आया सी एच टू यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या आएगा सी एच टू इवन अल्काइन में भी आप देखो टू और थ्री में डिफरेंस कितने कार्बन का है एक कितना हाइड्रोजन का है दो मतलब हर जगह पे सर सी टू का डिफरेंस आ रहा है राइट right? हर जगह पे सी टू का डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे होमोलोगे सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप ग्रुप इन ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ तो इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगे सीरीज अब बताओ इसमें कौन सा बहुत नया चीज था जो आपको नहीं आ पाता इससे फायदा क्या है पता है जैसे मुझे ब्यूटेन के बाद अगर नेक्स्ट मेंबर लिखना है ना पेंटेन और मान लो मुझे जनरल फार्मूला भी नहीं पता तो मुझे पता है सक्सेसिव मेंबर मतलब इसमें CH2 ऐड करने का तो 4 का क्या हो जाएगा 5 10 का क्या हो जाएगा 12 कल को मुझे अगर हेक्सेन लिखना है हेक्सेन तो 6 और क्या हो जाएगा 14 तो ऐसे करके मैं जितने मेंबर्स आगे जाऊंगा उसमें मुझे CH2 क्या करना है ऐड करना है यस सतीश कुमार प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर ओके होमोलोग होमो मतलब सेम लोगस मतलब पैटर्न तो सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच सक्से में सी एस टू ग्रुप मतलब जो भी मेंबर ले लो आप उनके बीच में सीएस टू का डिफरेंस आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीरीज फायदा क्या है कि जो कंपाउंड पे आप है उसका नेक्स्ट कंपाउंड चाहिए तो सी एस टू एड करने का प्रीवियस कंपाउंड चाहिए तो क्या करोगे सी एस टू को माइनस कर दोगे एकदम सिंपल ठीक है अब हर जगह पे चलो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल अब हम सबको पता है एक कार्बन वाला अल्कोहल तो कैसे पता चलता है कि वो अल्कोहल है देख के तो एक कार्बन का अल्कोहल जिसको आप क्या बोलते हैं या अल्कोहल मिथाल यही जब दो कार्बन पे जाता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं सी टू एच फाइव और ओ OH. एच तीन कार्बन पे जाएगा तो सी थ्री एच सेवन और ओ OH. एच अब आप डिफरेंस देखना है? ये भी तो सक्सेसिव मेंबर है चलो बताओ सीरीज है ना सीरीज ऑफ वॉर्ड अल्कोहल्स अब यहां पे देखना ओएस तो सब में कॉमन है ये रहे है हमारे दो सक्सेसिव मेंबर कार्बन कितने कार्बन का डिफरेंस है एक हाइड्रोजन यहां पे तीन और यहां पे पांच तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है दो तो सक्सेसिव मेंबर में डिफर किसका हुआ सी एस टू यहां पर देखो कितने कार्बन है दो इसके पास कितने कार्बन है तीन तो डिफरेंस कितने का हुआ एक और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ टू ऐसे आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले लो सक्सेसिव मेंबर हमेशा डिफर करेंगे सी एस टू ग्रुप से तो इससे फायदा क्या होगा कि जिस मेंबर पे आप हैं उसमें अगर करेंगे करेंगे तो आपको करेंगे, तो आपको आपको अगला मेंबर मेंबर मिलेगा मिलेगा से माइनस प्रीवियस ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा बॉन्ड क्या होता है बॉन्ड क्यों बनाना है उनका पूरा टेबल होमोलोगस सीरीज यस अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूं देखिए हम लोग को पता चला है कि सेवन टू एट में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं अटेंड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर क्लासेस तो कल से ही जो स्ट्रीमिंग होगा मैं वापस से बता दूं नाइन थर्टी टू टेन थर्टी के बीच में होगा ताकि आप लोग सब लोग घर पर जाकर पहुंच के आराम से कर सकें जितने भी स्कूल से यहाँ पे लोग अटेंड कर रहे हैं उन सबका शुक्रिया आज हमारा सीरीज का पहला लेक्चर अटेंड करने के लिए कल हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फंक्शनल ग्रुप और होमोलोग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आई नेमिंग करेंगे तीन से चार लेक्चर में हम लोग आपका पूरा कार्बन कंपाउंड रिवाइज कर देंगे चाहिए तो हम लोग लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा देंगे सो so दैट आपका पूरा टेंथ का एक्सरसाइज पूरी तरीके से सॉल्व ठीक है ऐसे ही हम लोग लेंसेस के लेक्चर रिफ्रेक्शन ट्रेग्नोमेट्री मैथ्स साइंस एवरीथिंग एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये शेयर करें अपने स्कूल्स के सारे ग्रुप में आप लोग डाल दें ये हर रोज होगा साढ़े नौ से साढ़े दस जिसको हम लोग फिक्स करेंगे एक घंटा आप हमारे साथ जुड़िए आपको हम लोग टेंथ में नाइन्टी परसेंट के ऊपर पहुंचा करें ये हम लोग का मेन है मैं तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग विद लॉट्स ऑफ लव मिलते हैं हम लोग कल रात को साढ़े नौ बजे बाय